घर में माध्यमिक शिक्षा मंडल बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रहा है। जो यहाँ नए शिक्षा सत्र आरंभ हो गया है और 178 स्कूलों को अभी तक मान्यता नहीं मिल पाई है। इन स्कूलों में बिना मान्यता के 10वीं और 12वीं की कक्षा के लिए प्रवेश जारी है। सवाल ये उठता है कि जिन स्कूलों में 12वीं के बच्चों ने प्रवेश लिया है उसे मान्यता नहीं मिली तो उन बच्चों का क्या होगा। वहीं इस मामले में सचिव बी गोयल ने आचार संहिता पर ठीकरा फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कमेटी का गठन आचार संहिता की वजह से नहीं हो पाया, इसलिए देर हुई है। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल के एक मेंबर होने के नाते मैं अभी सेक्रेटरी साहब से चर्चा करूंगा ऐसी क्या परिस्थितियां हुई है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, और बच्चे की भविष्य की बच्चे की कैरियर बर्बाद ना हो इस पर भी हम बात करेंगे। नहीं, कोई लापरवाही नहीं है इसमें। लापरवाही इसलिए नहीं है क्योंकि अभी चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी, इसलिए मंडल का गठन हुआ नहीं था। अभी मंडल का गठन की कार्रवाई शुरू हो गई है, मंडल का गठन हो रहा है।